आदाब अर्ज, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज हम बात करते हैं मुल्क में एनर्जी का जो अहम स्रोत है, जो अहम जराए है, जो अहम रिसोर्सेज हैं, कोयला, उसके बारे में। आज कोल इंडिया लिमिटेड का फाउंडेशन डे है और उसकी एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडी BCCL जो भारत में कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है, जिससे भारत के स्टील और पावर प्लांटों की चिमनियां रोशन होती हैं। हम बात करते हैं उन मजदूरों के बारे में जो कोयला निकालते वक्त हादसे के शिकार हो गए और शहीद हो गए। आज हम बात करते हैं BCCL के प्लानिंग के बारे में। हमारे साथ BCCL के डायरेक्टर पर्सनल श्री RS महापात्रा और श्री देवल गंगो उपाध्याय साहब हैं। इन लोगों ने क्या बात की, क्या बताया BCCL के बारे में, ये हम जानते हैं। कोल लिमिटेड जो है वो कोल इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट सब्सिडीज है सर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्सिडी है। क्या हाल है सर, किस मौजूदा स्थिति कंपनी का क्या है सर? कोल इंडिया का आज स्थापना दिवस है, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले BCCL का नेशनलाइजेशन हुआ था 1971 में और ये इंटेंशन ये था कि जो हमारे श्रमिक भाई लोग जो काम करते हैं, श्रमिक भाइयों का शोषण जो हो रहा था प्राइवेटाइजेशन के समय में, उससे मुक्त करा जाए, उनका वेलफेयर हो, कोयला का सदुपयोग हो, कोयला ठीक ढंग से निकाला जाए, लोगों का सेफ्टी ठीक ढंग से देखा जाए, इस उद्देश्य से जो हमारे राष्ट्रीयकरण हुआ थे। उससे आज के जो 1444 साल पूरे हुए हैं, उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ और कोल इंडिया का प्रोडक्शन जो है कितने नीचे था, अभी तो कितने माने ऊपर पहुंच गया, फिर भी हमारे जो देश में ऊर्जा की आवश्यकता है उसको देखते हुए कोयला की मांग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और हम BCCL में कोकिंग कोल है, आप जानते हैं यहाँ BCCL बहुत सबसे पुराना कंपनी है, तो BCCL में ये प्रयत्नशील है, पुराना माइंस में ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी भी, तो माइंस का डेवलपमेंट करना जरूरी है, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। हमारे कर्मचारी, यूनियन, यहाँ का आम जनता, पॉलिटिकल पार्टीज और जो स्टेट गवर्नमेंट, सभी की सहयोग रहेगा तभी ये हम लोग पूरा कर पाएंगे। और इसमें BCCL का उन्नति से ही धनबाद की जनता, धनबाद की व्यवसायी हो या यहाँ श्रमिक हो या यहाँ का जो रेसिडेंट्स हो, सभी की उन्नति BCCL की उन्नति से जुड़ा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी। इसलिए BCCL को आगे बढ़ाना सभी के लिए नितांत आवश्यक है और सबकी सहयोग का कामना करता हूँ। सर, एम्प्लॉइज वेलफेयर के क्या स्कीम्स है, क्या प्लान्स है सर? एम्प्लॉय वेलफेयर में तो बहुत स्कीम है, सभी दिशा में एम्प्लॉय का, जितने एम्प्लॉय ज्वाइन करने के बाद
या ज्वाइन करने से पहले भी जो हमारे पेप्स होते हैं उनका भी BCCL की ओर से ख्याल रखा जाता है। BCCL एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, एम्प्लॉय के परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और अदर वेलफेयर्स सभी दिशा में हम लोग, हाउसिंग सभी दिशा में BCCL ख्याल रखता है। इवन एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन योजना हुआ, मेडिकल स्कीम हुआ, ये सब लाया गया है। अभी मेडिकल स्कीम में पहले जो रिटायरमेंट पे एम्प्लॉयज़ को मेडिकल स्कीम के तहत 5 लाख तक की सुविधा थी, अभी वो 8 लाख हो गई है, कल सर्कुलर आ गया है, तो ये 8 लाख तक का बेनिफिट उनको प्राप्त होगा, उनको और उनका स्पाउस को। CSR का, CSR के तहत भी हम लोग कुछ काम करते हैं ज़रूर, इसमें थोड़ा सा हम लोग पिछड़े हैं और उसमें बहुत कुछ करना भी है। अभी जैसे जैसे लोगों का डिमांड आता है, अभी हम लोग रिसेंटली गोविंदपुर ब्लॉक में 2 कम्युनिटी सेंटर और मैरिज हॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत ग्राम में हम लोग सड़क बनाए हैं, कहीं कहीं तालाब का खुदाई किए गया है, बहुत काम हुआ है और बहुत काम करना भी बाकी है। स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग, अभी CMD साहब आए थे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए बोले हैं, तो उसको भी जल्दी हम लोग करेंगे, जिसमें कि ड्राइविंग ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन फिट। प्रमोशन के सिलसिले में सर क्या स्थापना, आज के जो स्थापना दिवस के अवसर पर BCCL में करीब 3000 कर्मचारियों का प्रमोशन होने जा रहा है। आज हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में विशेष कार्यक्रम के तहत जितने इंडोर पेशेंट हैं सभी को फल का वितरण हो रहा है। बेस्ट वर्कर्स जो है सभी एरिया में, हॉस्पिटल में सभी को पुरस्कृत किए। निकली सर क्या है सर, BCCL में कितना एडवांसमेंट हुआ, क्या तरक्की हुई सर? टेक्निकली सबसे डिफ़िकल्ट सब्सिडरी है, जितना सब्सिडरी है उसमें, इसका इस कंपनी में पानी है, फायर डीलिंग करने पड़ते हैं, यहाँ पर इनक्रोचर्स हैं, यहाँ आदमी हटाने पड़ते हैं, ज़मीन नहीं मिल रहे हैं, सबसे डिफ़िकल्ट सब्सिडरी उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस साल प्रॉफिट करेंगे, अगला, पिछले 2 साल हम लोग प्रॉफिट नहीं किए, लॉस में, घाटा में थे, और इस साल हम लोग प्रॉफिट में भी आएंगे और अगला साल, पिछले साल से हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। सर टेक्निकल एडवांसमेंट में क्या नया टेक्नोलॉजी सर माइनिंग के लिए लाया गया है सर कुछ? अभी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है हमारे यहाँ पर, अंडरग्राउंड में हम लोग नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, यहाँ ऊपर में घर द्वार बसा हुआ रहेगा तो भी हम लोग नीचे काम करेंगे, कोकिंग कोल है नीचे विथ स्पेशल स्टोइंग विथ कंटिन्यूस माइनर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है हम लोग नया। इसके अलावा हम लोग का तो बड़े बड़े अंडरग्राउंड माइंस भी खुल रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा सर प्रोडक्शन अचीवमेंट में? खाली फ़ायदा नहीं, हम लोग की इसमें क्या होगा कि जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट कम करने होंगे, जो रिप्लेस करेंगे हम लोग कोकिंग कोल अपने प्रोडक्शन से।